शादी के पहले या शादी के बाद? तेज आवाज में बोलो। इसके ऊपर मैं शादी के बाद में आया। अच्छा, इसके ऊपर। हाँ। और इससे पहले किसके ऊपर रहते थे? इसके पहले मैं इसके घर में रहता था। अच्छा, इसके मायके में या ससुराल में? नहीं, ससुराल में ही, इसके घर में। ससुराल में, यानी तुम्हारे घर रहता था। किसके ऊपर रहते थे? भाई के ऊपर। भाई के ऊपर। भाई को क्या तकलीफ दिया इसके भाई को? भाई को इसके पागल बना दिया। पागल बना दिया? कितने साल से पागल बना दिया? बहुत साल से, जब से भेजा गया तब से। कई साल हुआ तुमको भेजे? वो भेजा हुआ था। कितने साल पहले भेजा था? हो गए करीब बहुत सारे साल। अरे कितना? लगभग लगभग 15-16 साल पहले भेजा। भेजने वाला औरत या आदमी? औरत। वो कौन है औरत? वो उसकी चाची है। किसकी चाची? भाई की। उसके किसके भाई की? पति के भाई की चाची। पति के भाई की चाची है। जीवित है? जीवित है। नाम क्या है उसका? मधु है। मधु है। मधु। 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 नाम को डीप करना है या डायरेक्ट डाल देना है? वीडियो बन रहा है, डाल दीजिए। हाँ, तो वो सीखी है या करवाती है किसी से? वो खुद करती है या करवाती है? वो खुद करती है। खुद करती है। क्या नाम है उसका? मधु नाम है। जाओ मधु को बोलो बाबा जी बुला रहे हैं, तुरंत जल्दी। क्या दुश्मनी थी मधु इन परिवार से तुम्हारी? क्या दुश्मनी थी मधु? हाँ। क्या दुश्मनी थी? कोई नहीं। फिर क्यों किया ऐसा मधु? हाँ। क्यों किया मधु? जी बाबा जी। क्यों किया? बर्बाद करने के लिए। क्या दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। पट्टी खोलो। तो इसके इसको परेशान किया, इसके भाई को, लड़के को परेशान किया, क्या दिक्कत था तुमको? क्यों परेशान करना चाहती हो? बर्बाद करना चाहती। अरे क्यों बर्बाद करना चाहती हो? कहाँ सीखा था तुमने? कहाँ सीखा था ये तंत्र मंत्र करना? कहाँ सीखा था? खुद से सीखा था। खुद से सीखा था? कितने दिन में? कितने दिन में सीखा था? कितने दिन में सीखा था? 5 से 6। क्या? 5 से 6 दिन में सीखा था। 5-6 दिन में सीख गए? बलि किसकी दिया था? बलि। 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 बलि किसकी दिया था? बच्चे की। किसके? किसके बच्चे की? घर के बच्चे की। वो कौन था तेरा? खुद का लड़का था? नहीं। फिर? जेठ का बच्चा था। जेठ का बच्चा था। कितने दिन का था? छोटा बच्चा था। कितने महीने का था? नहीं याद है। जेठ का नाम क्या है? जेठ का क्या नाम है? मुन्ना। मुन्ना। कितने दिन पहले मारा बच्चे को उसके? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गया। ये देख, ये तेरा कौन है? इधर देख, ये हाथ मिला के उससे देख, ये कौन है तेरा? ये भतीजा लगता है। ये भतीजा लगता है और है रियल में मियां बीवी, मगर उसकी आत्मा को मैंने बुलाया है। कलाकार जो है, जिसको टुनहीन और क्या क्या बोलते हैं, वही है, उसको बुला लिया। कपड़ा क्या पहनी है तू? साड़ी पहनी है। किस रंग की साड़ी पहनी है? किस रंग की? ग्रीन। ग्रीन कलर, यानी हरा होता है ना ग्रीन, और ये पीली है। पीली है ना, पीली कहा जाएगा ना इसको, ये पीली कलर है। तेरे पति का नाम क्या है?
पति का नाम? रविकांत। जिंदा है या मर गया? जिंदा है। क्या काम करता है वो? पढ़ाता है। पढ़ाता है। तुम कितना पढ़ी हो? नहीं पढ़ी। अनपढ़ हो? पढ़ी भी की होती तो मैं साइन करवाता, अनपढ़ है इसलिए साइन नहीं करवाता। बिटिया को भी सिखाई है? किसको किसको सिखाया? डायरेक्ट इस तरह बोलना गलत है, डायरेक्ट इस तरह बोलना गलत है। किसको सिखाया? हो सकता है बहू को सिखाया हो। अरे नहीं है, वो उससे पूछो ना। और किसको सिखाया? किसी को नहीं। मरने से पहले किसको सिखाएगी? किसी को नहीं। किसी को नहीं। मायके में सिखा था या ससुराल में? मायके में। मायके में यानी माँ के घर। मायका कहाँ है तेरा? मायका कहाँ है? याद नहीं आ रहा। अरे वाह, याद नहीं आ रहा, माँ बाप का घर याद नहीं आ रहा है, वाह। याद कर ले जल्दी से, इधर मेरी तरफ देख। इसके पहले कभी कोई तुझे बुलाया था? नहीं, नहीं बुलाया था ना। करना सीख लिया, अब जब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं यहाँ से, तुम जा नहीं सकती हो। कितने को मौत के घाट उतारा अब तक? पागल तो इसके देवर को कर दिया, इस औरत के देवर को कर दिया। कितने साल से पागल हो गया आपका भाई? अभी तो ये साल भर से बार बार उसको समस्या हो रही है। यहाँ लाए हो आज? हाँ जी लाए, साल भर से। चेक करवाया? जी जी। भूत प्रेत निकला? जी, अंदर बाहर था। किस चीज में करके खिलाया था उसको? प्रसाद में। प्रसाद में क्या? नहीं, वो चेक में क्या बताया पंडित जी? प्रसाद। टोकन कहाँ है? टोकन मतलब पक्का प्रसाद लिखा हुआ है पंडित जी। कहने का मतलब पंडित जी की भी परीक्षा लेते रहते हैं, जो बोला वो ये टोनाइन भी बोल रही है। मैंने प्रसाद, प्रसाद में क्या था? प्रसाद में क्या था? प्रसाद में फल था। फल था। उल्टी में फल निकले का जो जड़ी बूटी हम देते हैं करके, जो कलाकार खिला देते हैं, ये वो है जड़ी बूटी। सेम है, जिसको जो बोलता है पंडित जी उसके घर से निकलता है। उल्टी से निकले या लाइटनिंग से निकले। अब बहुत से बेवकूफ लोग वीडियो कॉलिंग से हो जाएगा, हो जाता है तो हम उनको डिलीट मार देते हैं। 15 साल से वीडियो कॉलिंग पे काम कर रहा हूँ, हो रहा है तभी तो हो रहा है ना, और होता नहीं तो मैं करता ही नहीं। तो ये कोई ना कहे, और सिर्फ बाबा जी बोलेगा। क्या बोलेगा? इधर तुमने भी गलती किया, क्या दंड दिया ना तुमको तुरंत? जो दूसरी भाषा तीसरी भाषा बोलते हो मुझे उस पर आपत्ति है। मैं क्या हूँ? मुस्लिम। और आप लोग क्या क्या बोलते हो वो गलत है। कोई हिंदू को अगर हम मियाँ मियाँ कहूंगा तो उस हिंदू को अच्छा लगेगा? भाई हिंदू भाई बताओ आप लोग, नहीं, नहीं लगेगा ना। उसी तरह मुझे अगर कोई कुछ कहता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जो हूँ वही बोलोगे, बाबा जी हूँ बाबा जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वीडियो बन रहा है आपको पता है ना, नेट पे जाएगा। चलो पूछो पूछो आप सवाल जवाब। जेठ के दोनों बेटों की मौत का जिम्मेदार तुम ही हो कि एक का? दोनों को मार दिया। दोनों को मार दिया? मेरी बुआ के लड़के को किसने मारा? सबको मार दिया। कितनी बड़ी डायन है तू, सपना परिवार खा गई जो है। सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा, उसी लिए लेकर आई थी वहाँ से ना। सब खत्म हो जाएगा। उन लोगों की गलती थी, पहले ही बताया था किसी ने कि ये सब कर रही है तू, लेकिन वो लोग माने नहीं, सबको खा गई। नहीं छोड़ूंगी किसी को नहीं। आई है ना जिस जगह पे, देखते हैं। आज तेरा तंत्र मंत्र सब खत्म कर दूंगा, आज के बाद तू कुछ नहीं कर पाएगी। तेरे लड़के कितने हैं? एक। लड़कियां? एक। एक, वो भी आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू। चाचा अब वो भी ऐसे ही मरेंगे, फड़फड़ा फड़फड़ा के। उमा कान चाचा पे किसने किया था? सबको मैंने बर्बाद किया, सब सबको। क्या मजा मिला तुझे आके अपना परिवार बर्बाद करके? इसमें मेरे बड़े पिताजी का भी कुछ हाथ था, बड़े मम्मी का? नहीं। उन लोगों को क्यों बर्बाद किया? थोड़ा पीछे हो जाओ, मुंह इधर भी दिखना चाहिए। कहाँ से आ रहे हो? जौनपुर से। जौनपुर से। यहाँ का पता किसे मिला? वो यूट्यूब से देखा। यूट्यूब से। दूसरी बार आए हो? जी। इसके पहले भी आए थे, हाजिर कराए थे, बातचीत नहीं किया। हाथ जो है जी हुआ, जबान कटी हुई थी, जबान फिर वापस मालिक से दिलवा दिया, तो बातचीत हो रही है जी। कितने बाबी बाबाओं को आपने दिखाया था? अभी केवल एक जगह दिखाया। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में जी। फिर यहाँ आ गए जी। चलो, तो यहाँ पहले दिन में आधा काम कराया जी, तो कई परसेंट फायदा हुआ? परसेंट तो
काफी राहत था पूरी ईमानदारी से, जनता पूरी दुनिया सुनती है, 40% तक राहत था, 40% आधा काम कराने से आपको बेनिफिट मिला, जो माइंड प्रेशर बना रहता था, दिमाग का प्रेशर बना रहता था वो कम हो गया, कम हो गया। चलो 60% आज भी मालिक चाहेंगे तो आज भी पूरा क्लियर हो जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को हम गारंटी नहीं देते हैं, कितने जो फोन करते हैं ना वो गारंटी मांगते हैं, उनको डिक्लिक्ट कर देता हूँ, जा भाई मेरे पास आना भी नहीं, मैं तुझे देखूंगा भी नहीं। और एक बार जिसको बोल तू डिलीट, तो वो कभी बोलते भी यहाँ ना आए, उसे फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि पैसा बर्बाद करके चला जाएगा। एक बार ना बोल दिया, कभी नहीं आना यहाँ, डिलीट मार दिया का मतलब काम मेरे यहाँ से खत्म दे रहा, फिर पृथ्वी पे अब घूमता रहो तू भाभी बाबाओं के यहाँ। चलो मेरा जो मकान है यार नगर पे, उसके अंदर जमीन में कुछ किया है तूने? बहुत किया है। क्या किया है? सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा? कितना उसमें भूत डाला है? उसके अंदर भूत कितना डाला घर में? दो डाला। दो, पांच, सात, छह, ऐसे ये लोग दो डाला करने वाले। गैया भाई तक को नहीं छोड़ते ये लोग, दुष्ट लोग। इतनी नफरत किस लिए? क्या बिगाड़ा था मेरे परिवार ने? और भी तो पांच भाई थे, उनके ऊपर क्यों नहीं गई तुम? उनके पीछे क्यों नहीं पड़ी? हम लोग ही क्यों थे? तेरे पति के चार भाई और थे, उनके पीछे क्यों नहीं पड़ी? हम लोगों के पीछे क्यों पड़ी? तेरे पिताजी ने परेशान किया। पिताजी ने परेशान किया? उन्होंने पोल खोला था तेरा इसीलिए? तेरे पिताजी ने कोई पोल खोल दिया था? वही बुलाए थे एक जो बाबा जी थे, उन्होंने सबके सामने इसका पोल खोला था कि वहाँ मायके से लेकर सारा लेकर आई है बर्बाद करने के लिए। लेकिन मेरे बड़े पिताजी जो माने नहीं इस बात को, उस बात को माने कोई बात नहीं, अब मान जाएंगे, वीडियो देखने के बाद मान जाएंगे। वो तो खुद ही खुद बोल रही है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ना ये औरत बोल रही है। आज सुबह में खाना क्या खाया? अभी नहीं खाया। अभी नहीं खाया? कौन बनाता है खाना? मैं बनाती हूँ। खुद बनाती है? लड़की नहीं बनाती है? शादी हो गई, चली गई। क्या नाम है लड़की का तेरे? लड़की का क्या नाम है? रश्मि। क्या? रश्मि नाम। क्या नाम है? रश्मि। रश्मि कहाँ शादी हुआ? शादी कहाँ हुआ? नौबतपुर में किया। नौबतपुर। उसके साथ भी कुछ भेजिए? सब भेज दिया। भेज दिया तब पति से अलग हो जा। कभी नहीं छोड़ी। पति से अलग हो जा, यही इसलिए भेजा? सास ससुर से अलग हो जा, यही सब है कलाकारों। मेरी बुआ की मौत कैसे हुई थी? मार दिया। तूने मारा? मैंने मारा। चल उससे बात करा, भेज उसको तुरंत पहले साइड हट, किनारे हट। क्या नाम है बुआ का? सुमन। सुमन हाजिर हो। सुमन तुम्हें कौन मारा? कैसे मर गई थी? मार दिया। कौन मारा? मधु ने मार दिया। हैं? मधु ने मार दिया। कौन? मधु ने। मधु ने मार दिया? मार दिया। कहाँ पे मारा? घर पे। घर पे? प्राण कहाँ निकली थी? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल का नाम नहीं पता। रात को या दिन में? दिन में। ये कौन है तुम्हारा? देखो इसको पहचानो, ये कौन है? यार मुंडी वैसे ही शेर की तरह रख ऊंचा ऐसा। ये कौन है तेरा? भतीजा है। भतीजा है? क्या नाम है इसका भतीजे का तुम्हारे? दीपक नाम है। दीपक नाम है। बात करो अपनी बुआ से। बुआ है जी वहां, तो बात करो कि तुम्हें लगे कि हाँ हम अपनी बुआ से बात कर रहे हैं, कोई ऐसी वैसी बात पूछ लो। जब प्राण निकला था तो कपड़ा क्या पहनी थी तू? साड़ी पहनी थी। किस रंग की? मैरून कलर की। मैरून कलर। और आज भी वही कपड़ा रहेगा इसके बॉडी पे। तो भटक रही थी, कहाँ थी अभी हम बुलाया तो? घर में ही थी। घर में ही। अकाल मौत जो भी मरता है वो घर ही में रहता है। वीडियो के जरिए मैं बताता रहता हूँ, अकाल मौत जो भी मरेगा उसको भूत प्रेत कहते हैं, वो घर ही में रहते हैं। किसके ऊपर रहते थे तुम? के ऊपर नहीं, घर में। सिर्फ घर ही में। खाना कहाँ खाती थी? घर में। घर में। किसी के अंदर जाने के बाद ही तो खाना मिलेगा। हाँ। किस में जाती थी? किसके बॉडी में जाओगी तभी खाना मिलेगा।
किसके बॉडी में जाती थी खाना खाने के लिए? तारा के। तारा, तारा कौन है? मम्मी में। आपकी मम्मी है। उनके यहाँ क्यों जाती थी? अब खाना खाने। खाना खाने भाई, जब बॉडी में जाएगी जो वो व्यक्ति खाया है वही मिलेगा। या हमारा मन कर रहा है ये चीज खाने का, तो हम उसके माइंड में डालेंगे कि आज तू ये बात बनवा खाना। यही होता है। जिंदा थी जब अच्छा था या मरने के बाद अच्छा है? जिंदा थी तो अच्छा था। जिंदा थी तो अच्छा था। तुम्हारे पति का क्या नाम है? सुदर्शन। सही है। बच्चे कितने थे आपके? एक। एक लड़का या लड़की? लड़की थी। लड़की है। बोल तो रहे। जी जी। संतुष्ट हो बुआ? जी जी बुआ। बुआ कितना पढ़ी लिखी है पूछो? कितना पढ़ी थी? नहीं याद। ये भी पढ़ी नहीं है, नहीं तो मैं साइन करवा लेता। मरने के बाद भी साइन करवा ही लेता। ये भी अनपढ़ थी, पता है आप? अब समझ में आ गया ना कि कौन अच्छा था कौन बुरा। हाँ, कई बजे प्राण निकला था आपका? सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम पे क्रियाक्रम कौन से घाट पे हुआ? याद नहीं। याद नहीं। ये लड़का गया था आपका भतीजा? था? नहीं। नहीं था। बोल रही है, हम तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे, हम उसकी तरफ देखेंगे। नहीं था। ये कहीं दूर थे? नहीं, वही सब पारिवारिक विवाद बना दिया था। अच्छा, इसीलिए नहीं गए। सब लोग दूर हो गए। तो अच्छा, और कुछ काम की बात बुआ से पूछना है? नहीं नहीं। चलो फिर हम इसको ऊपर भेजते हैं। वो देखो, कुकर देखो। इसको किस चीज में करके खिलाया था? इसको किस चीज में करके खिलाया था? इसको उसको तू हट, तू हट या अभी साइड हट जा, तू साइड हट जा भाई। उसको क्या नाम है कलाकार का? मधु। हाजिर हो मधु। इसको किस चीज में करके खिलाया था? इसको नहीं खिलाया। यहाँ तो निकला हुआ लिस्ट में, इसको कौन खिलाया था? क्या लिखा हुआ है? फल। 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 इसको फल कौन दिया था? कौन किया था? मायके वाला। ये पता है तुमको? इसको फल में किसने दिया था? मायके में खिलाया। नाम क्या उसका? क्या मायके में खिलाया, समझा नहीं है। मायके में जो खिलाया था करके, वो मायके में ही खिलाया था। अच्छा, मेरे इससे इससे कोई टच नहीं, नहीं है, क्योंकि शादी से पहले ही दूर हो गए थे। तो उसको क्या पता होगा इतनी पुरानी कहानी। इसके इसके देवर को किस चीज में खिलाया था? प्रसाद में, फल में। इसका देवर है बाहर? जी। बुला लाओ जरा सा। बहुत साल से। पूछो क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? मधु नाम। मधु नाम है। मधु कौन है आपकी? चाची। चाची जी ने करके खिलाया प्रसाद में, वो बोल रही है। और मैं इसको पागल कर दिया। ये पूरा बयान दिया है, रिकॉर्ड हो गया है, नेट पे देख लेना। ब्रेन काम नहीं करता है आपका। मार दूंगी। नहीं मार पाएगी अब तो। हम तुझे तेरा तंत्र मंत्र सब खत्म करने जा रहा हूँ। कुछ बात करना है? और नहीं बाबा, इसको झंझट से दूर करना। चलो इधर देखो, हाँ खोलो इधर देख। खेलना डुलना बंद कर अब। इसका बाल गिटी पे गिटी बांधना है थोड़ा सा, इसको साइड करो। इधर मूर्खो, इतना बाल देखो, वीडियो के जरिए भी बताता रहता हूँ। कितना? इतना। गीठी के ऊपर गीठी दो, ये देख रहे हो, एक गीठी कस दिया, दूसरी गीठी बांध दिया। ये अब हम ये गीठी के ऊपर से काट लेंगे और इसको जला देंगे। चल भाग जा चिता पे, तुरंत भाग। ओए मैडम, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। कहाँ से आप आ रहे हो? कहाँ से? आजाद नगर। कहाँ से? जौनपुर से। ये कौन है? पति है। क्या हुआ था, कुछ याद है आपको? आपके ऊपर कलाकार को बुलाया, बातचीत किया, कुछ याद नहीं है आपको? नहीं याद है। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? बीए किए हैं। कुछ याद नहीं है? कुछ को याद होता है, एक दो चार परसेंट को सौ में
याद होता है कि भूतों ने हमसे क्या बुलवाया, और 95 को कुछ नहीं पता है, कलाकार बोला, कलाकार से कहानी खत्म, अनपढ़ थी, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको जला दो, रख दो, हो गया। कितने फोन करके पूछते हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है, आज क्या है, ईद है, ईद है ना, कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद, बकरीद, मुहर्रम, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है, जनता आए और चाहे ना आए, गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ। कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलेक्ट कर देता हूँ, जा भाई, और सब पे हाजिर हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है, तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ, मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिलेक्ट मार देते हैं, मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास दो ऑप्शन है, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे, मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ, गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं, अरे गलती हो गया, यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है, अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे, शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो, मालिक पे, हो जाता है हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग, बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें, आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है, बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेकूफ लोग तो जल्दी फोन उठ गया तो आपको बोलना है ना हेलो कि हमें बोलना है, हाँ तो यही गलत है ना, हम तो यहाँ तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर, मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना, मेरी बात समझे, ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा, दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो, भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो, सही है, मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे, सही है ना, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। हमें कहाँ से आया था, सूरजपुर भटगांव, सूरजपुर से आया था, और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हो। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, तो नहीं टाइम जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूँ या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूँ। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें, नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है, वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते ही रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए, जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा, नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है, आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो
वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ, धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग भुगते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है, दो दिन, गुरुवार और रविवार, रविवार दो दिन, 9 बजे खुला है, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वा भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए, यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपये और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपये एडवांस में जमा करना होगा, और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है, इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।